द्रौपदी ने कहा, हे गोविंद, आज आस्था और अनास्था के बीच जंग है। आज मुझे देखना है कि ईश्वर है कि नहीं। तब श्री हरि ने सभी के समक्ष एक चमत्कार प्रस्तुत किया और द्रौपदी की साड़ी तब तक लंबी होती गई जब तक कि दुशासन बेहोश नहीं हो गया। कहते हैं कि श्री कृष्ण द्वारा द्रौपदी की लाज बचाने के पीछे दो कारण थे। पहला यह कि वह उनकी सखी थी और दूसरा यह कि एक बार श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ पर बांध दी थी, जिससे श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। जब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभ्यम कृष्णा अभ्यम की गुहार लगाई, तब मुझे उसके शील की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं अविलंब पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी गलती बताओ। कृष्ण जी मुस्कराए। उद्धव, इस सृष्टि से हरेक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं इसे चलाता हूँ और ना ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नज़दीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। उलाहना देते हुए उद्धव ने पूछा, वाह वाह, बहुत अच्छा कृष्ण। जो इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे समीप खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें? तब कृष्ण जी बोले, उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे समीप साक्षी के रूप में हर पल हूँ, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम यह भूल जाते हो और यह समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तब ही तुम कठिनाइयों में फंसते हो। धर्मराज का अज्ञान यह था कि उसने माना कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर उसने यह समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी रूप में उपस्थित हूँ, तो क्या खेल का रूप कुछ और नहीं होता? उद्धव मंत्रमुग्ध हो गए और बोले, प्रभु, कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य। प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी प्रभावना है, किंतु जैसे ही हम यह विश्वास करना शुरू करते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। गड़बड़ तब होती है जब हम इसे भूलकर सांसारिकता में डूब जाते हैं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।